अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और नाश्ता तो मैंने कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद अभी मुझे करना है बाइक का काम। बाइक का काम तो मैं बाद में करूँगा जब सहन में धूप चली जाएगी, छांव आ जाएगी। और बाइक किसकी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आधा काम तो मैंने कल रात में ही कर लिया था, बस अभी थोड़ा बहुत रहता है वो मुझे खोलना है। बस ये देखें, ये मेरे कमरे में दो बाइकें खड़ी हुई हैं। वो आगे वाली तो मेरी है और ये इस तरफ वाली है मेरे बहनोई की, जो कि ख़राब है। इसका इंजन मैंने उतारा है क्योंकि इंजन इसका ख़राब हो चुका था। पिस्टन वगैरह लगेगा इसके अंदर। इंजन मैंने आधे से ज़्यादा खोल दिया था रात में, और थोड़ा बहुत रहता है। ये सब मैंने खोल दिया था और ये खोलना है अभी। जैसे ही सहन में छाँव आ जाती है तो मैं इसको सहन में रख के खोलूँगा, क्योंकि कमरे में नहीं खोल सकता। ये देखें, सहन में इस वक्त धूप है, धूप आ रही जा रही है क्योंकि मौसम अजीब सा हो रहा है, बारिश जैसा हब्स हो रहा है। बादल भी हैं, देखते हैं कि बारिश आती है या नहीं आती। अभी मैं आया हुआ हूँ घर से बाहर और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है। देखते हैं कि बारिश आती है नहीं आती, बादल तो जा रहे हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह दोपहर का भी हमने खा लिया है। और अभी मैंने और नेहा ने, पापा ने जाना है मार्केट क्योंकि शॉपिंग करनी है। नेहा के भी कुछ कपड़े लेने हैं और मुझे भी अपने एक दो सूट लेने हैं और शायद पापा को भी लेने होंगे। पापा ने तो वैसे मुझे मना कर दिया था कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगा, आप दोनों कर लेना। लेकिन हमने भी बोला था पापा को कि आप भी कर लेना, हम दोनों करेंगे। बाकी पापा की मर्ज़ी, करें नहीं करें हम तो करेंगे, क्योंकि हमें तो कहीं जाना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ जाना है और शॉपिंग में क्यों कर रहा हूँ। अभी हम आ चुके हैं मार्केट, और मार्केट में सामने पापा और भाई दोनों ही बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और सामने अंकल बैठे हुए हैं जो कि भाई को सूट निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। अभी बस दो से तीन सूट ही निकाल के दिखाएं। भाई बोल रहे हैं कि मुझे उस कलर का सूट चाहिए, उस कलर का सूट चाहिए। अंकल बोल रहे हैं इस कलर के तो हैं नहीं, लोन के हैं। तो भाई ने भी लोन का ही लेना है, लेकिन टू पीस लेना है भाई बोल रहे हैं। तो देखते हैं इनके पास टू पीस मिलते हैं कि नहीं। और पापा यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे थे और मुझे यहाँ पीछे से जो है कपड़े खरीद। अभी हम मार्केट से आ चुके हैं और मार्केट से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मार्केट में भी काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि मैं पापा को और नेहा को बोल रहा था कि मैं बाइक पे ले जाता हूँ आप दोनों को, बाइक पे सुकून से जाएंगे और सुकून से आएंगे। पैदल जाएंगे, आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा वापस आने में, और वहाँ पर भी घूमेंगे। मार्केट में रश होगा, गर्मी लगेगी, लेकिन नेहा ने और पापा ने बोला नहीं, पैदल जाते हैं, पैदल जाने में मज़ा भी आएगा और सुकून से शॉपिंग भी करेंगे। ये देखें, नेहा और पापा अभी इस वक्त चारपाई पे बैठे हुए हैं, और जो हम शॉपिंग कर कर आए थे वो इस वक्त छापर में खोलेंगे, तो बाद में वो नेहा दिखाएगी अपने चैनल पे। आप अपने चैनल पे अपने सूट दिखा देना। हाँ, मैं अपने सूट खुद दिखाऊंगा और आप अपने सूट खुद दिखा लेना। सही है। और मज़ा आया पैदल जाके? हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि बातें करते हुए गए, भले पांव थके लेकिन बातें करते हुए गए। बाइक पे ये होता बस फर से गए और फर से आ गए। लेकिन बाइक पे थकावट तो नहीं होती ना, सुकून से चले जाते और आ जाते। ये देखिए, यहाँ भाई बाइक का काम कर रहे हैं, और कल भी कर रहे थे, आज फिर से कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद बाइक का काम ना हुआ हो। भाई अभी तक काम नहीं हुआ बाइक का, कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, ये इंजन बना रहे हो आज। खोल रहा हूँ, आधा मैंने कल खोला था और आधा अभी खोल रहा हूँ। रात को मैंने पूरा इसलिए नहीं खोला था कि लाइट गई हुई थी और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो शाप भाई को भी घर पे जाना था 11 बजे। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं दिन में खोल लूंगा, आप चले जाओ। तो ये कितनी देर में तैयार होगी, यानी कि गाड़ी? इसको तो एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता यानी कि बहुत टाइम। एक दिन में ही जाता है, लेकिन हम एक हफ्ते में बनाएंगे। यानी कि आराम आराम से थोड़ा थोड़ा काम करोगे, थोड़ा थोड़ा करके। चलो ये भी ठीक है, ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, आप अपना काम कर लो। बस ये मैं खोल रहा हूँ, खुल जाए तो फिर कोई और काम करता हूँ। सही है। अभी रात का टाइम हो रहा है और खाने पे भी हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। पापा सामने बैठे हुए हैं और आज खाना पकाया है पापा ने, मसाले वाले चावल, जो कि कम से कम एक हफ्ता हो गया पके तो है नहीं। चलें फिर खाना खाते हैं हम लोग।
अभी खाना वगैरह हमने खा लिया है और आज मौसम भी काफी खराब हो रहा है। बाहर बादल हो रहे हैं, बारिश आ सकती है मुझे तो लग रहा है, क्योंकि सुबह से ही मौसम कभी खराब हो जाता है कभी सही हो जाता है। बारिश वाला मौसम हो रहा है, हवा चल रही और है। जो मैं सूट लेकर आया था वो तो मैंने आप सबको दिखाया नहीं है। मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम है, अब मैं वो सूट भी दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने सूट अपने निकाल लिए हैं और मैं सूट लेकर आया हूँ दो ही, क्योंकि मेरे पास दो तीन पेंट शर्टें रखी हुई हैं और एक मैं और लेकर आऊंगा जहाँ पर हम लोग जाएंगे। वो तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। हम लोग जाएंगे अपनी आपी के घर, क्योंकि आपी के देवर की शादी है। उन लोगों ने दावत दी है हमें तो, और पहली दफा दावत दी है तो हमें वहां पर जाना लाजमी है। हाँ, बस इसी चीज़ की तैयारियां हो रही हैं हमारी जाने के लिए। और अभी भाई आपको सूट दिखाते हैं, हाँ, मैं सूट दिखाता हूँ और भाई बहुत आप। मुश्किल से चॉइस करके लाए, वहां पे मिल नहीं रहे थे अच्छे अच्छे से सूट। हाँ, कलर बहुत कम थे ना लड़कों वाले, बाकी आदमियों वाले बहुत थे। ये हाँ देखिए, ये रहा भाई का सूट, जो कि भाई ने टू पीस में लिया है। कमीज थोड़ी सी डिजाइन वाली होती है जिसमें शलवार ये सिंपल होती कमीज है। है प्रिंट वाली हाँ और इसकी सिंपल शलवार है सादी। हाँ ये मैं सिलवाऊंगा ना डिजाइन वाला, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बस कुछ ही दिन रहेगा, अब आप कब सिलवाने दोगे? बस ये मैं कल ही दे दूंगा सिलवाने के लिए, क्योंकि जाना भी और दर्जियों के पास और भी अब काम होता है तो उसको जल्दी देना पड़ेगा। हाँ, और अब दूसरा सूट। दूसरा और मुझे आपका सबसे ज्यादा ये सूट प्यारा लगा है हाँ, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। एक तो ये कॉटन का है और फर्स्ट और टाइम लिया। पहली दफा लिया है, और दूसरी बात के ये डिजाइन वाला है। हाँ ये देखिए, ये कॉटन का सूट है और ये सिलेगा कुर्ता पजामा। सही बोल रही हूँ ना मैं? कुर्ता पजामा सिलेगा। हाँ, कुर्ता पजामा ही सिलवाऊंगा। हाँ, और यहाँ ये इसका थोड़ा हल्का फुल्का गला बना हुआ है, बाकी पूरी जो कमीज है वो प्रिंट है और शलवार सिंपल है, फुल कपड़ा कॉटन का है ना। चलिए, मुझे सबसे ज्यादा आपका ये सूट प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा है। मुझे भी ये सूट काफी अच्छा लगा, और आप लोग भी बताइएगा इन दोनों सूट में से कौन सा सूट ज्यादा अच्छा है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।